नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णन, प्लास्टिक सर्जन, अमरदीप हॉस्पिटल अमृतसर से। और आज हम बात करेंगे कि सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग और डिस्कलरेशन होती है उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि वो और बढ़े ना। देखिए, कोई भी सर्जरी होती है किसी भी बॉडी पार्ट में, उसके बाद उसमें स्वेलिंग होना कॉमन है, क्योंकि सर्जरी एक तरह की चोट है और हर चोट के बाद स्वेलिंग इज बॉडीज नॉर्मल रिएक्शन। तो वो हर सर्जरी के बाद हो सकता है। जैसे आंखों के नीचे हमने सर्जरी की है तो आंखें सूज जाती हैं, माथे पे सर्जरी की है तो भी ऊपर के आईलिड सूज जाते हैं, हाथ में ऑपरेशन होता है तो हैंड में स्वेलिंग आ जाती है। इसको अवॉइड कैसे किया जाए? सबसे पहली बात है कि जिस एरिया में सर्जरी हुई है उसको ऊपर उठा के रखें। मान लीजिए हैंड की सर्जरी हुई है तो हाथ को स्लिंग में बांध के इस तरह से रखना है कि हाथ का लेवल हार्ट के लेवल के पास हो और एंगल ऐसा बना रहे। ये नीचे लटकाते हैं हम हाथ को तो स्वेलिंग बढ़ेगी, पेन बढ़ेगा, ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे ही अगर फेस में सर्जरी हुई है तो हमें सीधे नहीं लेटना है, दो तकिए रख के सर ऊपर रखना है। सीधा बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेकिन झुकना नहीं है। इन सब चीजों से फेस की स्वेलिंग कम रहेगी। दूसरी बात है यूज ऑफ आइस पैक्स। आइस पैक्स जहां भी सर्जरी हुई हो उसके ऊपर हम लगा सकते हैं, बट आइस को डायरेक्टली नहीं रखना है। आइस को हमें किसी क्लॉथ में कवर करके उसके बाद ही अफेक्टेड पार्ट में रख सकते हैं, तो इससे भी स्वेलिंग कम होती है। तीसरी बात है मेडिकेशंस। आफ्टर सर्जरी सर्जन खुद ही मेडिसिन ऐसे देते हैं जिनसे थोड़ी बहुत स्वेलिंग कम हो, लेकिन स्वेलिंग सर्जरी के बाद जीरो इमीडिएटली नहीं होता है, उसको अपना टाइम लगता है। आप मान लीजिए हफ्ते भर में लगभग 80-90% स्वेलिंग कम हो जाती है, पूरी स्वेलिंग कम होने में 5-6 महीने भी लग सकते हैं। तकरीबन सारे सर्जरीज के लिए और हर इंजरी के लिए कॉमन है। थैंक यू।